वो गुलाम जिसने सलीम और मौत और कब्र पर फतह पाई और शैतान अपने बहुत अली डाल डाला उस अजली के फतह मदना में सबकी सलामती हो आमीन भी हो और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप सबको मुबारक जुमा की बहुत बहुत मुबारक हो आमीन भी हो। मेरा नाम अनीशा जुगुब है और मेरा तिलक अल्फा ओमेगा ये अभी चर्च बाईस नबी की हाड़ी से है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज मुबारक जुम्मा को हर जगह बड़ी पुरसरे तरीके से मनाया जा रहे हैं। इस जुम्मे को मनाने के लिए क्यों चुनौती पेश आई? वैसे तो हमारी जिंदगी में हर साल कोई ना कोई जुम्मा ऐसा होता है कि जिस दिन प्रोग्राम हो या ईद हो, मगर इस एक दिन को ज्यादा खास क्या बात है जो इस जुम्मे को सबसे ज्यादा खास बनाती है? क्या कोई बता सकता है कि इस दिन क्या वो खास बात है जो इस दिन को मनाया जाता है? क्या कोई बता सकता है? जश्न ही मत करो कोई। पहलो ये भाइयों में से कोई प्लीज ही मत करे बताने से। जी जी वो खास बात क्या ये है कि इस दिन मेरे यसने हमें तनाव से खलासी बख्शी और इसीलिए हम इस दिन को खुशी से मनाते हैं। हमें दुख जमा होने की जरूरत नहीं, क्यों वो यहाँ नहीं बल्कि आसमान पर खुदा के नियत पर मौजूद है। हाल ही जिस कलमे पर बयान करने का मौका मिला है वो है छठा कलमा यानी फतहमंदी का कलमा। तो आइए मेरे जिजो हम इस आयत पर नजर डालेंगे कि जो कुछ हुई है तो मेरे दिल के पास बारह मुकद्दस है मेरे साथ निकालेगा। योना सूर के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 30 आयत है और ये आयत हम बहन सवेरा चार मिलकर पढ़ेंगे। बस जब यीशु ने जान लिया रिश्ते को यीशु ने खुदा और इंसान के दरमियान बहाल करवाया और हमें भी चाहिए उस रिश्ते